अक्सर हमने जानवरों को किसी दूसरे जानवर से लड़ते या उनका शिकार करते हुए देखा है। कई बार ये जानवर आपस में ही लड़ने लगते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दो शेर आपस में लड़ने लगे तो क्या होगा? क्या होगा अगर मगरमच्छ एक दूसरे से लड़ पड़े? जब किसी टाइगर के सामने लड़ने के लिए दूसरा टाइगर आ जाए, फिर कौन जीतेगा? आज हम आपके लिए ऐसे ही 10 वीडियोस लेकर आए हैं जिन्हें देखकर आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि हम आपके लिए वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस लेकर आते रहते हैं। नंबर 10, लायन वर्सेस लायन। दो शेरों के बीच खतरनाक लड़ाई चल रही है। ये लड़ाई है खुद को सामने वाले से बेहतर साबित करने की। दोनों ही शेरों का रुख आक्रामक है। दोनों किसी भी कीमत पर एक दूसरे को छोड़ने को राजी नहीं है। कभी पहला शेर दूसरे पर दहाड़ता है और हावी हो जाता है, तो कभी दूसरा शेर पहले वाले शेर को पीछे धकेल देता है। शेर लड़ाई करते वक्त अपने पंजे और जबड़े का इस्तेमाल करता है और अपनी पकड़ को कमजोर नहीं पड़ने देता है। यहाँ धीरे धीरे शेरों की लड़ाई एक खूनी संघर्ष में बदल जाती है और कुछ ही देर में उनमें से एक शेर लहू लुहान हो जाता है। थोड़ी देर में कुछ और शेर भी वहाँ पहुँच जाते हैं और उनका बीच बचाव करने लगते हैं, लेकिन दोनों शेरों की लड़ाई पर इसका कोई असर नहीं होता। लड़ाई में घायल शेर ये बात समझ जाता है कि वो जीत नहीं पाएगा और वो बचकर वहाँ से भाग जाता है। दूसरा शेर अभी भी वहीं खड़ा रहता है और अपनी दहाड़ से अपनी जीत का जश्न मनाता है। नंबर 9, हाइना वर्सेस हाइना। यहाँ दो हाइना की एक दूसरे से खूंखार लड़ाई चल रही है। दोनों ही हाइना खतरनाक हैं और उनके वार भी जानलेवा हैं। कभी ऐसा लगता है कि पहला हाइना दूसरे वाले को मौत के घाट उतार देगा, तो कभी दूसरा वाला हाइना पहले पर हावी नजर आता है। वैसे तो हाइना साथ मिलकर अक्सर किसी और जानवर का शिकार करते हैं, लेकिन कई बार वे आपस में ही भिड़ जाते हैं। यहाँ पर ये दोनों भी एक दूसरे के खून के प्यासे हैं और सामने वाले की जान लेने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे उनकी ये लड़ाई और भी खूंखार रूप ले लेती है। आखिरकार एक हाइना दूसरे वाले को नीचे गिरा ही देता है और उस पर अपने दांत कड़ाने लगता है। कुछ देर में नीचे गिरे हाइना को ये समझ आ जाता है कि अब उसका जीतना नामुमकिन है। वो सही वक्त देखकर इस लड़ाई से भागने लगता है और अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाता है, और उसके भागते ही दूसरा हाइना भी उसके पीछे चला जाता है। नंबर 1, हिप्पो वर्सेस हिप्पो। पानी के बाहर खड़ा ये हिप्पो गर्मी से निजात पाने के लिए पानी में जाना चाहता है, लेकिन पानी में पहले से ही काफी हिप्पो मौजूद हैं और उस हिप्पो के लिए वहाँ पर जगह नहीं बची है। वह पानी में घुसने के लिए कदम बढ़ाता है, मगर पानी में मौजूद एक हिप्पो को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वह उसे अपना गुस्सा दिखाना शुरू कर देता है। दोनों के बीच इस बात को लेकर गहमा गहमी शुरू हो जाती है, जो देखते ही देखते लड़ाई तक पहुँच जाती है। दोनों हिप्पो एक दूसरे पर हमला करते हैं और सामने वाले को अपने जबड़े की ताकत से डराने की कोशिश करते हैं। शुरुआत में पहला हिप्पो डर कर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन थोड़ा आगे जाकर पलटता है और फिर से दूसरे वाले पर हमला करने लगता है। हिप्पो के बीच ये लड़ाई खूंखार हो जाती है और दोनों एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर देते हैं, लेकिन पानी वाला हिप्पो पहले वाले पर भारी पड़ता है और पहले हिप्पो को उस जगह से निराश होकर ही लौटना पड़ता है। नंबर 7, कंगारू वर्सेस कंगारू। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कंगारू एक शिकारी जीव है। ऐसे में कम ही मौके आते हैं जब कंगारू की किसी से लड़ाई होती है। यहाँ कुछ कंगारू अपने कई साथियों के साथ खेल रहे हैं, लेकिन इनमें से दो कंगारू के बीच लड़ाई चल रही है। कंगारू के लिए ये लड़ाई काफी अहम होती है, क्योंकि ये लड़ाई ही उसे कंगारुओं में सबसे ऊपर रखती है। एक कंगारू को कुशल लड़ाका बनाने के लिए काफी प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसकी शुरुआत उसके जन्म के साथ ही हो जाती है। इसके लिए इस लड़ाई में जीतने वाले कंगारू को मादा कंगारू के लिए एक विशेष अधिकार मिल जाता है और वह घास के मैदान पर भी अधिकार पा लेता है। आज ये लड़ाई दो कंगारुओं के बीच खुद को साबित करने की है। वे दोनों कंगारू कभी तो एक दूसरे पर पैर मारते हैं,
तो कभी हाथ मारकर सामने वाले को गिराने का प्रयास करते हैं। कंगारू के पिछले दो पैर बड़े होते हैं और इन्हीं से वो उछल उछल कर चलते हैं। लड़ाई में भी इन पैरों का प्रयोग वे सामने वाले को हराने के लिए करते हैं। जीत के लिए ये लड़ाई बहुत देर तक चलती रहती है और फिर समय आता है इस लड़ाई के परिणाम का। एक कंगारू अपने सामने वाले कंगारू को पंच मारता है और उसके पीछे हटने के साथ ही दूसरे कंगारू की जीत पक्की हो जाती है। नंबर 6, क्रोकोडाइल वर्सेस क्रोकोडाइल। वैसे तो मगरमच्छ एक खतरनाक जानवर है, लेकिन जब उसे भूख लगती है तो वो और भी खतरनाक हो जाता है। वहीं जब मगरमच्छ अत्यधिक भूखा होता है तो दूसरे मगरमच्छ को ही अपना शिकार बना बैठता है और उसे खाने लगता है। यहाँ एक जू में कुछ मगरमच्छ हैं जिनके सामने मांस का एक बड़ा टुकड़ा फेंका जाता है। मांस को देखते ही सभी भूखे मगरमच्छ एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं। ये मांस का टुकड़ा उनमें से एक मगरमच्छ के हाथ आ जाता है और वह उसे खाने लगता है, जबकि दूसरे मगरमच्छों के हाथ तो कुछ भी नहीं आता और वे निराश होकर अपनी जगह पर ही पड़े रह जाते हैं। लेकिन इनमें से एक मगरमच्छ कुछ ज्यादा ही भूखा होता है और अपने सामने वाले मगरमच्छ पर ही हमला कर देता है। वह मगरमच्छ सामने वाले की एक टांग को अपने मुंह से पकड़कर गोल घुमाता है और डेथ रोल टेक्निक से उसकी टांग तोड़कर रख देता है। टांग के टूटते ही वह मगरमच्छ उसे चबा जाता है और अपनी भूख मिटाता है, जबकि दूसरा मगरमच्छ दर्द से कराहता रहता है लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। नंबर 5, टाइगर वर्सेस टाइगर। दोस्तों, दो टाइगर्स के बीच खूंखार लड़ाई चल रही है। दोनों ही एक दूसरे को कच्चा चबाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। एक टाइगर ने दूसरे के जबड़े को कसकर पकड़ रखा है, लेकिन इसके बावजूद भी दूसरा टाइगर उसके हमलों का जवाब देने से पीछे नहीं हट रहा है। टाइगर के नुकीले दांत और पंजों में बहुत ताकत होती है। वे पहले अपने शिकार को तेज रफ्तार से पकड़ते हैं और फिर उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन यहाँ टाइगर के सामने कोई दूसरा जानवर नहीं बल्कि एक टाइगर ही है और दोनों खूंखार हैं। पहले टाइगर ने दूसरे टाइगर को अपने जबड़े में पकड़ा हुआ है। फंसा हुआ टाइगर इसके शिकंजे से छूटने के लिए काफी मशक्कत कर रहा है, लेकिन पहले टाइगर की पकड़ इतनी मजबूत है कि उसकी एक नहीं चल रही, मगर वो किसी तरह से खुद को इस शिकंजे से निकलने में कामयाब कर लेता है और पहले टाइगर पर हमला करना शुरू कर देता है। दोनों के बीच ये लड़ाई काफी टाइम तक चलती है और एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले करने के बाद आखिर में ये लड़ाई समझौते के साथ खत्म होती है और दोनों शांत हो जाते हैं। नंबर 4, स्नेक वर्सेस स्नेक। एक रेड स्नेक चट्टानों के बीच से होकर गुजर रहा है, लेकिन तभी उसकी नजर आगे बैठे इंडिगो स्नेक पर पड़ती है। अपनी जान का खतरा भांप कर रेड स्नेक वहां से भागने लगता है, लेकिन तब तक इंडिगो स्नेक की नजर उस तक पहुंच जाती है और वो उसके पास पहुंचकर उस पर हमला कर देता है। इंडिगो स्नेक बहुत ही डेंजर होता है और अपने एक ही हमले में अपने शिकार को पकड़ लेता है। इनकी साइज भी अधिक होती है और इसका फायदा उठाकर वह छोटे सांपों को अपना शिकार बनाता है, जबकि रेड स्नेक कम खतरनाक होता है जिसे पालतू सांप माना जाता है। एक ही हमले में इंडिगो स्नेक उस रेड स्नेक के मुंह को अपने मुंह में भर लेता है। रेड स्नेक उसके जबड़े से निकलने के लिए काफी छटपटाता है, लेकिन इंडिगो स्नेक के आगे उसकी एक नहीं चलती। थोड़ी ही देर में इंडिगो स्नेक अपने शिकार को जिंदा ही निगल जाता है। रेड स्नेक को खाने के बाद इंडिगो स्नेक फिर से अपनी जगह पर लौट जाता है। नंबर 3, कोमोडो ड्रैगन वर्सेस कोमोडो ड्रैगन। एक कोमोडो ड्रैगन जंगल में अकेला टहल रहा है, तभी वहाँ एक और कोमोडो ड्रैगन आ जाता है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों कोमोडो ड्रैगन्स एक दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश में लग जाते हैं। कोमोडो ड्रैगन एक मांसाहारी जानवर है जो छिपकली की प्रजाति का होता है। यह हमेशा सड़ा हुआ मांस खाना पसंद करते हैं और अपने शिकार को फाड़ कर खाते हैं। यह अपने से 9 किलोमीटर दूर पड़े शव को भी ढूंढ सकते हैं। कोमोडो ड्रैगन के बीच ये लड़ाई खतरनाक रूप ले लेती है और एक दूसरे को पटकनी लगाने के लिए ये अपनी पूरी जान लगा देते हैं। कई बार पहला कोमोडो ड्रैगन दूसरे को गिराने में कामयाब होने वाला होता है, लेकिन तभी दूसरा कोमोडो ड्रैगन उस पर हावी हो जाता है। धीरे धीरे जब ये लड़ाई खत्म होने की ओर बढ़ती है तो उसमें से भारी वाले कोमोडो ड्रैगन के खूंखार हमले भी बढ़ जाते हैं। आखिर में वह अपने अपोनेंट को धूल चटाने में कामयाब हो जाता है। नंबर 2,
एलिफेंट वर्सेस एलिफेंट। दोस्तों, हाथी जानवरों में सबसे बड़ा जानवर माना जाता है। आमतौर पर ये काफी शांत होते हैं और किसी पर भी हमला नहीं करते, लेकिन इसके बावजूद कई बार इनका खूंखार रूप भी दिख जाता है। यहाँ पर एक हाथी अपनी मस्ती में चिंघाड़ रहा है। उसके सामने एक बड़ा हाथी है जो उसके इस चिंघाड़ का जवाब देने में लगा हुआ है। थोड़ी देर में ही दोनों हाथियों के बीच खुद को बड़ा साबित करने की लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों हाथी अपने सामने वाले को सिर से मारने लगते हैं और देखते ही देखते ये लड़ाई एक खूंखार मंजर में बदल जाती है। दोनों हाथियों के चिंघाड़ और उनकी मार से उनकी ताकत का अंदाजा लग जाता है। थोड़ी ही देर में एक हाथी को ये बात समझ आ जाती है कि इस लड़ाई को वो जीत नहीं सकता और वो अपने कदमों को पीछे हटाना शुरू कर देता है। उसका इस तरह से लड़ाई से पीछे चला जाना ही दूसरे हाथी की जीत का सबूत देता है। नंबर वन, लेपर्ड वर्सेस लेपर्ड। जंगल में खाने की तलाश में घूमता हुआ लेपर्ड एक पेड़ के पास पहुंचता है, लेकिन इस पेड़ पर पहले से ही एक और लेपर्ड बैठा हुआ है। जैसे ही दोनों लेपर्ड एक दूजे को देखते हैं तो सामने वाले पर गुर्राना शुरू कर देते हैं। तुरंत ही पहला लेपर्ड भी उस पेड़ पर चढ़ जाता है और दूसरे वाले पर लपकता है। पेड़ पर दोनों लेपर्ड के बीच खूंखार लड़ाई शुरू हो जाती है और दोनों एक दूजे को पेड़ से भागने के लिए गुर्राना तेज कर देते हैं। तभी इस जगह पर कुछ शेर आते हुए दिखाई देते हैं। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि लेपर्ड खतरनाक होते हैं और अपने शिकार को देखते ही उस पर लपकते हैं, मगर शेर भी जंगल का राजा है और किसी भी जानवर को मार गिराने का दम रखता है। शेरों को अपनी तरफ बढ़ता देख पहला लेपर्ड पेड़ से तुरंत ही उतर जाता है और वहां से भाग निकलता है, जबकि दूसरा पेड़ पर बैठा हुआ है और उस जगह से शेर के झुंड को निकलते हुए देखता रहता है। देखा आपने कि क्या होता है जब किसी जानवर की लड़ाई अपनी ही बिरादरी के जानवर से होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं और आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। तो जल्दी ही आपसे मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ।